हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? और मथुरा वृंदावन के आप सभी लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे हैं? नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। प्रेम मंदिर, स्कान मंदिर, बांके बिहारी, सारे ब्लॉग मैंने डाले हैं। तो आज हम सुबह मॉर्निंग में परवल का चोखा बनाने जा रहे हैं। परवल को मैंने छील लिया है, छोटा छोटा इसको हम कट कर लेंगे। और अगर आपने परवल का चोखा पहली बार सुना है या पहली बार देख रहे हैं आप, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही यम्मी लगता है चोखा। तो परवल को हम छोटा छोटा ही कट करेंगे क्योंकि हमको इसका चोखा बनाना है। और अगर बीज ज़्यादा मोटे हैं या बड़े हैं तो उनको हटा देंगे, लेकिन हमने जो परवल यूज़ किया है उसमें बीज नहीं है। आप देख रहे होंगे बहुत ही हल्के हल्के बीज नज़र आ रहे हैं, तो ये चोखे के लिए परफेक्ट है। इसमें बीज हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारे परवलों को हमने ऐसे कट कर लिया है। इसमें टमाटर और लहसुन ले लिया है। फिर हमने गैस पे तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तेल गरम हो गया है, फिर तुरंत हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। जीरा को ऐड करते ही हमने इसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम परवल को ऐड करेंगे। अभी हम टमाटर नहीं ऐड करेंगे। आप बस पूरा ब्लॉग देखिए और देखते जाइए परवल का चोखा हम कैसे बनाते हैं। इसके बाद नमक, धनिया मिर्ची का पाउडर करेंगे इसको थोड़ा मिक्स और ढकेंगे प्लेट और 10 मिनट के लिए करेंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम करेंगे इसको। ये परवल हमारे थोड़े से गल गए हैं तो इनको हम अच्छी तरह से चला देंगे और इसके बाद एक बार फिर हम इसके ऊपर प्लेट को कवर करेंगे। और अब हम गिलास से इसको मैश कर लेंगे, जिससे जितने परवल कर लेंगे उनका अच्छी तरह से चोखा बन जाए। अब हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर। टमाटर अगर थोड़े से गले हैं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि चोखे में थोड़े गले टमाटर ही सही रहते हैं। टमाटरों के साथ मिक्स करेंगे परवल को और ढककर 10 मिनट के लिए फिर हम कुक करेंगे। आप लोगों को मेरा परवल का चोखा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लोगों को भी शेयर कीजिएगा और एक बार आप भी इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं।